हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी कैसे लिखें कि एग्जामिनर को आपकी कॉपी बहुत अच्छी लगे और वो आपको मार्क्स बहुत अच्छा दे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे, अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आपके भी मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट टिप्स पे। आपको क्या करना है, नीट एंड क्लीन लिखना है, आपको हेडिंग दे के लिखना होगा। दोस्तों एक बात आप जान लो, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के जो दो तीन पेज होते हैं उस पे आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा पेज पे राइटिंग बनाओगे। इसलिए स्टार्टिंग में अपना इम्प्रेशन अच्छा बना दो। आपको आज से ही लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या होगा, आपकी स्पीड अच्छी बन जाएगी। आप जो भी टॉपिक याद करते हो उस टॉपिक को आप दो तीन बार लिखो, जिससे आपका माइंड में फिट हो जाए और राइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी बन जाए। एंड चलते हैं हम अपने दूसरे टिप्स की ओर। दोस्तों आपको एक दो बार टाइमिंग के साथ घर पे प्रीवियस ईयर के पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। आप क्या करो, 2019 के प्रीवियस ईयर के पेपर लो और उसे टाइमिंग के साथ एक कॉपी पे सॉल्व करो, मीन्स अटेम्प्ट करो। इससे क्या होगा, एग्जाम टाइम में आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड हमारा थर्ड टिप्स ये है कि आपको क्या करना है, न्यू पेन से नहीं लिखना है। आपको एग्जाम के 5 दिन पहले पेन खरीद लेना है और उस पेन से 3-4 बार लिख के आदत डालना है, जिससे आपकी स्पीड अच्छी बन जाए और आपका प्रैक्टिस होगा तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी बनेगी। एंड चलते हैं हम अपने 4 टिप्स की तरफ। दोस्तों आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। आपको क्या करना है ना, जो भी इम्पोर्टेंट नेम होते हैं, इम्पोर्टेंट राइटर के नेम हुए, इम्पोर्टेंट डेट हुए, उसको हेडिंग डाल के लिखो या फिर उसे आउटलाइन कर लेना, जिससे टीचर्स को ये लगे कि इस स्टूडेंट को नॉलेज है और वो आपको अच्छे मार्क्स दे। आपको कॉपी पे ज्यादा कट नहीं करना है। सो चलते हैं हम अपने 5th टिप्स की तरफ। आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कोशिश ये करना है कि आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। और हाँ, बहुत से स्टूडेंट को मैं सुनी हूँ कि सॉन्ग लिख के चले आते, ना जाने क्या क्या, ऐसा फालतू काम ना आपको नहीं करना है, नहीं तो एग्जामिनर आपका पूरा कट करके 0 मार्क्स दे देंगे। अगर आपको कोई आंसर ना भी आता है तो आपको उससे रिलेटेड ही लिखना है। दोस्तों हमारा 6th टिप्स ये है कि आप हर पेज पे, जब आपका पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, जब आपके पास 5 मिनट बचते हैं, उस टाइम आपको क्या करना है, पेज के नीचे रोल नंबर लिखना है। इससे क्या होगा, आपकी पेज इधर उधर नहीं होगा और लास्ट में आप रिवाइज कर लेना। अगर आपको छूट गया है तो आप फिर दोबारा लिख सको। एंड 7th टिप्स ये है दोस्तों, आपको ये पता करना है आपको कौन कौन से आंसर बहुत अच्छे से आ रहे हैं, आपको किस सेक्शन से आपको अच्छे से आ रहे हैं, वो आप स्टार्टिंग में लिखना। एंड 8th टिप्स ये है कि आपको लॉन्ग आंसर को स्टार्टिंग में लिखना है। अगर आपके क्वेश्चन छूट भी जाएं और वो शॉर्ट छूटेंगे ना, तो सिर्फ 1-2 मार्क्स के ही छूटेंगे, लेकिन अगर आपके लॉन्ग छूटेंगे तो वो 10-15-5 मार्क्स के छूटेंगे। तो आप क्या करना, आप स्टार्टिंग में लॉन्ग आंसर को लेके चलना, इससे आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा और इससे आपको बहुत बेनिफिट्स होगा। सो फ्रेंड्स, आई विश आप सबके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे जाएँ। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज़।